नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल में। अभी हमें अपने विद्यालयों में भारतीय भाषा उत्सव 28 सितंबर से लेके 11 दिसंबर के मध्य 11 सप्ताह तक मनाना है। इसका पूरा शासनादेश हमें उपलब्ध करा दिया गया है। सप्ताहवार क्या क्या गतिविधियाँ हमें करानी है उसको हमें उपलब्ध करा दिया गया है। तो आज का वीडियो इसी पे आधारित है कि किस तरह से हमें भारतीय भाषा उत्सव को मनाना है और उसका अभिलेखीकरण करना है। देखिए, एक बहुत सुंदर पहल लगी मुझे कि अपनी मातृभाषा के प्रति जागरूक करने के लिए, उसके प्रति सम्मान उत्पन्न करने के लिए, उस पर गर्व करने के लिए और बच्चों की जड़ों को मजबूत करने के लिए कि एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। जिस तरह से हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा कर रहे हैं, संचारी रोग अभियान चला रहे हैं, उसी तरह भारतीय भाषा उत्सव ये हमें संपादन इसका करना है। तो ये मुझे रुचिकर कार्य लगा और मैंने इसको इस तरह से पूरा एक रजिस्टर का ही रूप दे दिया है और इसको मैं आगे भी बच्चों के साथ ज़रूर कंटिन्यू करूँगी, ये 11 सप्ताह ख़त्म होने के बाद भी। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि 11 सप्ताह मतलब 28 सितंबर से 11 दिसंबर तक हमें करना क्या है और किस तरह से किस किस थीम पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमने इसका शुरुआत किया है। इस वाले पेज पे हमने थोड़ा सा इसका स्वरूप ऐसा रखा है, इंट्रोडक्शन। अपनी भाषा का रखे मान, गर्व से अपनाएं, करें सम्मान। भारतीय भाषा उत्सव 28 सितंबर से 11 दिसंबर प्राथमिक विद्यालय गौरिया खुर्द गोसाईगंज लखनऊ। और यहाँ पे मैंने लिखा है, निज भाषा उन्नत रहे सब उन्नत के मूल, बिन बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही के सूल। तो यहाँ से एक शुरुआत करने का प्रयास किया है इस तरह से। अब जो हमें आदेश प्राप्त हुआ है किस तरह से हमें कार्य करना है सप्ताहवार, उसका मैंने इस पेज पे पूरा अंकन कर लिया है। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कराना है हमारे बेसिक के, तो उस तरह से मैंने लिखा है। भारतीय भाषा उत्सव गतिविधि के लिए सप्ताहवार थीम, हमें सप्ताहवार क्या कराना है, कैसे कराना है। तो 28 सितंबर से जैसा मैंने कहा और 11 दिसंबर तक इसका समापन करना है 2023। तीन कॉलम में आदेश हमें प्राप्त हुआ था, सप्ताह, दिनांक, थीम। अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसका आदेश निकलवा के रख लीजिए, लेकिन बहुत छोटा सा है तो आप अपने रजिस्टर को भी आप अच्छे से लिख सकते हैं रजिस्टर पे और सुंदर भी लगेगा। तो पहले सप्ताह में हमें करना है, जो कि शुरू होगा 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के मध्य, इसका संपादन करना है पहले सप्ताह का, जिसमें हमारा थीम होगा पर्यावरण और प्रकृति। दूसरा हमारा सप्ताह होगा 5 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर के मध्य और इस पे हमें जो थीम है वो साहित्य होगी। इसमें हमें लगता है हमने जो पुस्तकालय बनाया है उससे हमें बहुत सहायता मिलेगी। तीसरा हमारा है 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, इसमें थीम है हमारा भोजन। चौथा हमारा जो सप्ताह है 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक, जिसमें अपने परिवेश को जानना, ये थीम रखा गया है। पांचवा जो सप्ताह है वो 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक है, जिसका थीम है मेरा विद्यालय। छठा जो है वो सप्ताह है 2 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक 2023 और इसका थीम है हमारे मूल्य। सातवां सप्ताह है
9 नवंबर से 15 नवंबर तक, और उसका थीम है संख्या ज्ञान व गणित। आठवां जो सप्ताह है वो 16 नवंबर से 23 नवंबर 2023, और इसका थीम है अपनी प्रतिभा दिखाएं। नौवां सप्ताह है 23 नवंबर से 29 नवंबर, और इसका थीम है मेरे विचार। दसवां सप्ताह है 30 नवंबर से 6 दिसंबर, और इसका थीम है पढ़ना और अभिव्यक्ति। ग्यारहवां सप्ताह जो अंतिम सप्ताह है वो है 7 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर 2023, श्री सुब्रमण्यम भारतीय को समर्पित ये थीम रखा गया है। तो ये पूरा है सप्ताहवार, हमें इस पे काम करना है। और अगले वीडियो में आप देखेंगे कि कौन कौन सी गतिविधियाँ और किस तरह से कार्य कराया और उसका अभिलेखीकरण हमने किया। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। कुछ इस तरह से इसका मैंने दिया है, इसको मैंने रजिस्टर का रूप इसलिए दिया क्योंकि मुझे आगे भी इस पे काम करना है बच्चों के साथ। और इस तरह से हम शिक्षक हैं और हमारे रजिस्टर ही हमारी पहचान होते हैं, तो अपने रखरखाव को, अपने रजिस्टर वर्क को बहुत अच्छा और मेंटेन करके रखिए। आपके यहाँ कोई भी निरीक्षण कार्य होता है तो सहजता से आप अपने कार्यों को प्रदर्शित कर सकते हैं, और लेखन से, पठन से हमारा बहुत नाता ही है, तो कोई भी रुचिकर कार्य आता है तो उसको सुंदर स्वरूप दे करके प्रारंभ करिए और अच्छे से उसका संपादन करिए और उसका एक अभिलेखीकरण अवश्य करिए। तो ये है पूरा, देख लीजिए शुरुआत कुछ इस तरह से हमने किया है। अगले वीडियो में इसका आगे का भाग आपके देखने को मिलेगा। पहले सप्ताह में पर्यावरण और प्रकृति थीम पे किस तरह से कार्य करा के उसका अभिलेखीकरण करना है। संचारी रोग भी हमारा प्रारंभ हो रहा है 28 अक्टूबर में, 3 अक्टूबर से, तो उसका भी आपको पूरा लिखित रजिस्टर वर्क मिलेगा, शिक्षक डायरी मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।